أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. और कहा काफिरों ने अपने रसूलों को हम निकाल देंगे तुमको अपनी ज़मीन से या तुम लौट आओ हमारे दीन में। तब हुक्म भेजा उनको उनके रब ने कि हम गारत कर देंगे उन जालिमों को और आबाद करेंगे तुमको उनके ज़मीन में। उनके बाद ये वादा मिलता है उसको जो डरता है खड़े होने से मेरे सामने और डरता है मेरे अज़ाब के वादे से, और फैसला मांगने लगे पैगंबर और नामुराद हुआ हर एक सरकश ज़िद्दी। फिर उसके बाद दोज़ख है और पिलाएंगे उसको पानी पीप का, घूंट घूंट करके पीता है उसको और गले से नहीं उतार सकता, और चली आती उस पर मौत हर तरफ से और वो नहीं मरता, और उसके बाद सख्त अजाब है। यानी अपने तवक्कुल वगैरह को रहने दो। काफिरों ने नबियों से यूं कहा कि ज़्यादा बुजुर्गी मत जताओ, अपने तवक्कुल को रहने दो। बस अब दो बातों में से एक बात होकर रहेगी, या तुम बेसत से पहले की तरह चुपचाप हमें रील मिलकर रहोगे और जिनको तुमने बहकाया वो सब हमारे पुराने दिन वापस आएंगे, वरना तुम सबको मुल्क बदर और जिला वतन किया जाएगा। यानी ये तुमको क्या निकालेंगे। अल्लाह ने फरमाया हम ही उन जालिमों को तबाह कर देंगे, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल देंगे, फिर कभी वापस ना आ सकेंगे, और उनकी जगह तुमको और तुम्हारे मुखलिस वफादारों को ज़मीन में आबाद कर देंगे। देख लो कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को हमेशा के लिए मक्के से निकालना चाहा, वही निकलना आखिर इसका सबब बन गया कि वहाँ इस्लाम और मुसलमानों का दायमी तसल्लुत हुआ और काफिर का निशान भी बाकी न रहा। यानी मस्कुरा बाला कामयाबी उन लोगों के लिए है जो खुदा से डरते हैं, यह ख्याल करके वो हमारी तमाम हरकतों को बराबर देख रहा है और एक दिन हिसाब देने के लिए उसके सामने खड़ा होना है जहाँ उसके बेपन अजाब से कोई बचाने वाला न होगा। पैगम्बरों ने खुदा से मदद मांगी और फैसला चाहा। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था फ़फ्ताह बैनी बैनहुम फ़तहा व नज्जिनी व मन मअय्य मिनल मुमिनीन। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून। शुएब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था रब्बना फ़ताह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलहु ज़ीनतन व इला आखिरी। और कुफार ने भी जब देखा कि इतने तवील मुद्दत से अजाब की धमकियाँ दी जा रही हैं लेकिन उसके आथार कुछ नज़र नहीं आते, तो इस्तेज़ा और तमस्खुर के तौर पर यानी दिल्लगी के तौर पर कहने लगे रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़िबला यौमिल हिसाब और अल्लाहुम्मा इनकाना अज़ाबु लक वगैरह। तो ये कुरैश के मक़ोले हैं। तो कौम नूह ने कहा था फ़ातिना बिमा तुईदुना। कौम शुएब ने कहा था फासिक अल के समय में नस्मा वगैरह। तो गर्ज दोनों तरफ से फैसले की जल्दी होने लगी। पैगंबरों का खुदा को पुकारना था कि मदद आई और हर एक सरकश और ज़िद्दी नामुराद होकर रह गया। जो कुछ ख्यालात पका रखे थे एक ही पकड़ में काफुर हो गए, न वो रहे न उनके तवक्कुआत रहीं, एक लम्हे में सबका खात्मा हो गया। ये तो यहाँ का अजाब था, उसके बाद आगे दोज़ख का भयानक मंजर है जहाँ शिद्दत की तिश्नगी के वक्त उनको पीप या पीप जैसा पानी पिलाया जाएगा, वो खुशी से कहाँ पी सकेंगे। हदीस में है
फरिश्ते लोहे के गुर्ज सर पर मार कर ज़बरदस्ती मुँह में डालेंगे। जिस वक्त वो मुँह के करीब उस पानी को करेंगे, शिद्दत हरारत से दिमाग तक के खाल उतर कर नीचे लटक पड़ेगी, मुँह में पहुँच कर गले में फंसेगा। बड़ी मुसीबत और तकलीफ़ के साथ एक एक घूंट करके अलग से नीचे उतारेंगे। पेट में पहुँचना होगा कि आंतें कट कर बाहर आ जाएगी। वो सुकू मन हमी मन फ़कत अमाहूँ, जैसा कि सूरह मोहम्मद में तफसील है। यानी इसका पीना क्या होगा, हर तरफ से मौत का सामना करना होगा। सर से पांव तक हर अज़ू बदन पर सकरात मौत तारी होंगे। शश जहद से मुहलिक अजाब की चढ़ाई होगी। वो ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देंगे, लेकिन मौत भी नहीं आएगी जो सब तकलीफ़ों का खात्मा कर दे। एक अजाब के बाद दूसरा अजाब आता रहेगा। कुल्लमा नज़िज़त जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब तुम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना मिन, रोंगटे खड़े करने वाला मजमून है। हम सरसरी तौर पर बढ़कर आगे निकल जाते हैं, तन्हाई में बैठकर अगर आदमी गौर करे तो हकीकत खुल जाएगी और दुनिया में जीना भी दो भर होगा। न किसी आयश में आयश मालूम होगा, न कोई राहत राहत नज़र आएगी। चुनाचे गुज़श्त के लिए मजमून आकर यहाँ मुकम्मल हुआ था, वअलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुतवक्किलून, ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। तो काफिरों ने रसूलों को पकड़ कर कहा कि तुम या तो अपने पुराने धर्म और मज़हब के ऊपर वापस आ जाओ, या हम तुमको अपनी धरती से निकाल देंगे। हालांकि कोई नबी नबुवत से पहले भी किसी शिर्क और बातिल अकीदे पर नहीं रहा है, बल्कि नबी इब्तिदा ही से अल्लाह तबारक तआला के अहकाम का मुकल्लफ होता है। यह और बात है कि तशरी अहकाम उनको नहीं दिए जाते, लेकिन वो शिर्क और शुबह शिर्क से हमेशा से बाज रहे हैं। तो रसूलों ने उसके जवाब में कहा, अल्लाह ताला ने रसूलों से फरमा कि ये कहते हैं कि आपको निकाल देंगे, तो सुन लो, हम ही इनको इस सरजमीन से निकाल देंगे। जैसे कि आजकल इस भारतवर्ष के अंदर भी मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम दोष द्रोही हो, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं लन लेकन ज़ालिमीन, कि ये क्या निकालेंगे, हम कुछ ज़ालिमीन को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही कहा गया था। अल्लाह तबारक ताला ने फिर हमेशा हमेशा के लिए फतह मक्के के मौके पर उनको निकाल दिया, और क़ियामत तक कोई काफिर और मुशरिक हुदूद हरम में दाखिल भी नहीं हो सकता, इल्ला ये कि हुकूमत के बेवकूफ़ अपने कुर्सी बचाने के लिए अगर गलत फैसले करते हैं तो अपने आमाल के जिम्मेदार होंगे। इसी तरह आगे फरमाया कि उन जालिमों की हम जड़ काट कर तुमको उनकी जगह आबाद करेंगे। और ये बात ख़ास तौर पर हम सब के लिए गौर करने की है कि ये वादा सिर्फ रसूलों से नहीं है, बल्कि फरमाया ज़ालिक लिमन खाफ मकाम व खाफ वईद, ये वादा उन तमाम लोगों के लिए जो क़्यामत तक आएंगे मगर जिसमें दो बातें पाई जाती हो, एक तो ये कि वो मेरे सामने खड़े होकर हिसाब देने से डरते हों, यानी हमेशा आखिरत का खटका धड़का लगा हुआ है। वह खाफ वईद, और वो मेरे अजाब से डरता हो, यानी आखिरत की तैयारी करता हो। ईमान और आमाल सालेह उसकी ज़िंदगी में है, तो अल्लाह ताला का वादा आज भी है और क़्यामत तक भी रहेगा। चुनाचे हमें भी इस मुल्क में या हर मुसलमान को अपने मुल्क में अगर रहना है तो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम कर खौफ आखिरत ज़िंदगी में हो, अल्लाह तबारक ताला के सामने पेशी का हमेशा ख्याल रहे। तो अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिमीन के जड़ काट कर तुमको उनकी जगह आबाद कर देंगे। और उसके बाद ये मौज मस्ती में आकर दिल लगी करते हुए फैसले की जल्दी कर रहे थे कि अरे जिस अजाब की धमकी देते हो आखिर वो कब आएगा, लाते क्यों नहीं। अल्लाह ने फरमाया वस्तफ़तहू, वो फैसला मांगने लगे। वख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, हमारा जब फैसला आ गया तो हर सरकश और ज़िद्दी उसकी नाक कट गई, वो नामुराद हुआ और वो अपने अंजाम को पहुंचा। और नतीजा क्या निकला अगली दो तीन आयतों में बयान किया गया है। और इस तरह के मजामीन अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है जिसका नाम उर्दू में भी अब यह है हालात जहन्नम। कभी कभार मौका निकाल कर ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए। दुनिया की ख्वाहिशात मौज मस्ती ये गुरूर ये कम होता है और आखिरत की फिक्र पैदा होती है। अरबी में थी वो किताब तख़वीफ़ बेदारिल बवार, अब उसका तर्जुमा उर्दू के अंदर भी आ गया है हालात जहन्नम।
या जहन्नम के ख़तरनाक हालात या दोज़ख के कैफियात। चुनांचे दो तीन बातें यहाँ पर बयान की गई हैं, वरना मज़मून तो घंटों बयान किया जा सकता है। फरमाया को जहन्नम के अंदर पड़े रहेंगे, वह उसका मिम्मा इन सदीद, और उनको पीप का पानी पिलाया जाएगा। ये पानी वो होगा जो ज़ख्मियों के ज़ख़म से निकलता हो, ज़ख़ूम के दरख्त से। अता के हदीस शरीफ में फरमाया गया, ज़ख़ूम का एक ख़तरा इस दुनिया में अगर टपका दिया जाए तो लज़ीक़त अलैह मआइशहुम, कि उनकी ज़िंदगी दो भर हो जाएगी और उसके बदबू और ताफ़ों से लोग जी नहीं सकेंगे। जब एक ख़तरे का यह हालत हदीस में आगे फरमाया, उस शख्स का क्या बनेगा कि जिसको ये डायरेक्ट पीना ही पड़ेगा। तो उसका मिम्मा इन सदीद, सड़ा हुआ बदबूदार ज़ख्मों से निकला हुआ लहू और पीप का पानी उनको पिलाया जाएगा। यह तजर्रब वाला यका तो उसे वो घूंट घूंट करके उसको पिएगा, और पिएगा क्या। हदीस में आता है कि फरिश्ते लोहे के गुर्ज लेकर उनके सरों पर मार मार कर उसको पिलाएंगे, और जब वो एक घूंट अपना उसमें मुँह में लेगा तो उसकी गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके सर के खाल भी निकल कर लटक जाएगी। और अंदाज़ा लगाइए कि हदीस में आता है दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 दर्जे ज़्यादा तेज़ है। जब यहाँ की गर्मी और आग की बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जो जिससे 69 दर्जे ज़्यादा तेज़ है वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। वयातिल मौत मिन कुल्ले मकान, और मौत के असबाब हर तरफ से आएंगे। शश जहाज यानी 6 सिमतों से भी, दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे से। लेकिन वमा हुआ बिमय्यित, वो मर नहीं सकेगा, क्योंकि अब मौत को जब मौत आएगी तो मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हदीस शरीफ में आता है कि जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे और अहले दोज़ख दोज़ख में जाएंगे तो मेंढे की शक्ल में लाकर मौत को ही ज़ुबा कर दिया जाएगा। अब जब मौत को मौत आ गई तो अब मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनांचे वो मौत मौत पुकारेंगे, लेकिन वमा हुआ बिमय्यित, वो वहाँ पर मरेगा नहीं। क्योंकि दुनिया में आप देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मौत आ गई तो मुसीबत का खात्मा होगा। ठीक है, दुनिया में तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन जहाँ मौत भी नहीं आएगी तो उस वक्त क्या बनेगा। अगर आदमी सोचने लगे तुम्हारे घबराहट के उसका हार्ट फेल हो जाए, वो हरगिज़ वहाँ पर मौत नहीं आएगी। हमें और अदाबन गलीस, और उसके पीछे और ख़तरनाक किस्म का अजाब होगा जो एक के बाद दीगरे चलता रहेगा। हत्ता कि कुरान की एक आयत है कि कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब उनके खाल जल जल कर ख़त्म हो जाएगी, चमड़ी ख़त्म हो जाएगी, हम दूसरी चमड़ी लगाएंगे, वो जलेगी, फिर तीसरी और चौथी, और जिसमें इतना बड़ा होगा। हदीस में आता है कि जहन्नमी के एक एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी। जब उसकी दाढ़ ओहद के पहाड़ के बराबर होगी और उसके जिस्म की खाल कई मील मोटी होगी, क्योंकि जितनी मोटी होगी उतना अजाब ज़्यादा होगा, जिसमें जितना लंबा चौड़ा होगा उतना अजाब ज़्यादा होगा। इसलिए हम तमाम को अल्लाह ने आज मौका इनायत फरमाया, एक मिनट का भी अगर मौका है और आदमी कोई सिद्क़ दिल से तौबा करके अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाह उसको कबूल फरमावे, तो जहन्नम से बचाने के लिए काफ़ी है। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना चाहिए। हदीस में फरमाया, अल्लाह अपने बंदे मोमिन पर दो डर कभी भी जमा नहीं फरमाएंगे। जो दुनिया में अल्लाह से डरता हुआ ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह फरमाएंगे वो बंदा मेरा दुनिया में डर कर आया है, आज मैं इसको खौफ और बेचैनी से महफूज रखूँगा और अमन अता करूँगा। और जो दुनिया में मनमानी करता है, बगैर डरे हुए ज़िंदगी गुजारता है, वहाँ का डर इसको मुकद्दर होगा। अब हम चॉइस करें कि यहाँ से डरकर ज़िंदगी गुजारना बेहतर है चंद सालों के लिए, या फिर वो दुनिया के बाद आखिरत के हमेशा की ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वहाँ जब खौफ और हालात मिलेंगे तो उसका क्या बनेगा। अल्लाह हम तमाम के साथ अफ़ो दरगुज़र का मामला फरमावे, और बग़ैर इस्तेहक़ाक के अल्लाह हमारे वालदैन की तमाम उम्मत मुस्लिमा के जहन्नम से हिफाजत फरमा। सुभान अल्लाह हम्दी, सुभान अल्लाह हम्दी।